ये देखो कंपनी का नाम कोरोना। यहाँ पे भाई इस हाईवे पे भी यही दिक्कत है। ये देखो कितनी गायें हैं रोड के। कोई हाल है चाय के कप का साइज देखो, मतलब एक्स्ट्रा 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 स्मॉल है। अहमदाबाद से और राजकोट तक सारा रोड पे काम चल रहा है, एटलीस्ट 60% रोड। हमारे साथ साथ चल रही है। ये रिलायंस की सिटी है पूरी भाई, जो अब जियो की हो गई है। नॉर्थ इंडियन हो ना तो भाई इस वाले ढाबे पे खाओ, होटल शिव शक्ति, तो बहुत ही बढ़िया। राजकोट तक ही खराब था अहमदाबाद से, अदरवाइज तो ताबड़तोड़ रोड है भाई। ये देखो कितने सारे विंडमिल्स, ये देखो भाई साहब फुल लोड, बहुत देर से चल रहे हैं। द्वारकाधीश मंदिर ही है पक्का। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वेलकम हो रही है अहमदाबाद से, ये खड़ी हमारी गाड़ी। फिलहाल भाई हम हैं अहमदाबाद में, कल हम आए थे दिल्ली टू अहमदाबाद। 1000 किलोमीटर्स सिंगल डे, करीब 15 घंटे लगे थे होटल तक। बहुत ज़बरदस्त रोड ट्रिप रही थी कल, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देखो और मज़ा आएगा देख के। और फिर कल शाम को हम लोग गए थे अटल ब्रिज, मस्ट विजिट प्लेस है भाई यहाँ की, वो मत छोड़ना किसी भी हालत में। और शाम को जाना, बहुत प्यारे व्यूज़ मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो ब्रेकफास्ट करते हैं, गाड़ी में सामान लोड करेंगे। और आज का भाई जो अपना डेस्टिनेशन है वो है द्वारका, कृष्ण की नगरी द्वारका। तो भाई यहाँ से 450 किलोमीटर है राजकोट, जूनागढ़ एंड देन द्वारका। बहुत ज़बरदस्त ट्रिप रहने वाली है और कोशिश करेंगे आज ही द्वारकाधीश के दर्शन हो जाए अपने को। तो दिखाएंगे आपको, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो भाई एक्साइटमेंट लेवल ज़बरदस्त है। तो अभी फ़िलहाल तो नीचे चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चेकआउट करेंगे और निकलेंगे यहाँ से राजकोट की तरफ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, सी यू। चलें फिर, बोलो हर हर महादेव। हो गया भाई टाइम 8:18, जय द्वारकाधीश। अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधे द्वारका और डिस्टेंस है 438 किलोमीटर्स। 8 घंटे दिखा रहा है गूगल, तो 8 में पहुँच जाएंगे। अहमदाबाद से निकलते हैं तो पहुँच जाएंगे लंच, मतलब 4 बजे के आसपास तक पहुँच जाएंगे। अभी चलते हैं रिवर फ्रंट की साइड और हाईवे पकड़ते हैं सीधे। बढ़िया सिटी है अहमदाबाद वैसे, ये वाला एरिया तो बहुत अच्छा है अहमदाबाद। ये तो रिवर देख लो, पूरी अहमदाबाद सिटी क्रॉस कर दी है। अब अच्छी सिटी है अहमदाबाद, अच्छे मतलब रोड चौड़े चौड़े रोड हैं देखो, साफ और साफ है यहाँ, ज्यादा मतलब गंदगी नहीं है जहाँ हम थे और यहाँ तक पूरा साफ सुथरा अच्छा है। ये आ गया राजकोट, जाना है अपने को राजकोट। 207 किलोमीटर राजकोट से जूनागढ़ और फिर द्वारका पहुंचेंगे बिल्कुल अरेबियन सी के पास। देखो कितना बढ़िया नियॉन ग्रीन कलर है जियो का, देखते हैं रेट महंगा तो नहीं है इनका। जियो से डलवा रहे हैं भाई, शायद 1 रुपये महंगा होता है इनका। 92.1 स्कोर अहमदाबाद। क्या बोल रहे हो? केम छो मोटा भाई, केम छो गंजा भाई। ये देखो कंपनी का नाम कोरोना।
के तो शेयर डाउन हो गए होंगे कोरोना के टाइम पे। कोरोना नाम है, कोरोना बियर तो बहुत फेमस है, ऑस्ट्रेलियन ब्रांड ये और कंपनी है कोई। बहुत भीड़ है भाई अहमदाबाद के आसपास, बहुत भीड़ है। अब थोड़ी सी खुले रोड आए हैं, वरना तो इतनी फैक्ट्रीज हैं और दबा के भीड़ है। यहाँ पे भाई इस हाईवे पे भी यही दिक्कत है, ये देखो कितनी गायें हैं रोड के बीच में बैठी हैं, और पीछे तो एक्सीडेंट भी हो रखा था। बहुत रिस्की है भाई ये थोड़ा, और ये आगे चल रही बीच में आ रही है ये, और जहाँ हॉर्न बजाओगे ना वहीं आती है ये। हॉर्न भी नहीं बजाना चाहिए ज्यादा, हॉर्न की तरफ आती है वो, ये रिस्की है, बहुत गाय है बहुत ज्यादा। बारिश का पानी भर रहा है, ये यहाँ पानी का दूर दूर तक पानी है, झील है यहाँ बहुत। टापू पे आ गए भाई, टापू पे कुछ भी भाई साहब, भाई कितना पानी भरा हुआ है, बारिश का पानी है ये दोनों साइड सारे खेतों में, बहुत बारिश का पानी भर रखा है। अभी भी कुछ दिन पहले तक बहुत बारिश हो रही थी अहमदाबाद के आसपास, अब तो कुछ नहीं हुई है कल से। A few moments later. लो जी भाई, डेढ़ घंटा हो गया था बैठे हुए, चाय के लिए रुक जाते हैं, मगर देसी सा अपना गुजरात का है कोई ढाबा देखते हैं, गुजरात की भी फीलिंग ले लें अच्छे से। अभी तो 6.5 घंटे लगेंगे भाई, ये रही, चलो चाय पिए। भाई गोवा से जो आए थे वही हाल है, चाय के कप का साइज देखो, मतलब एक्स्ट्रा 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 स्मॉल है। चलो भाई मस्त चाय थी, अच्छा आओ। भाई 1.5-2 घंटे दूर ही आए होंगे अपन अहमदाबाद से राजकोट की तरफ। बहुत बढ़िया है ये आउटलेट, हाईवे फूड मॉल बहुत बढ़िया लग रहा है, इतने सारे खाने के आउटलेट है, प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है, CCD, सबवे, डोमिनोज भी है, मैकडॉनल्ड्स भी है, बहुत बढ़िया है ये तो स्टॉप। और बाकी जगह टाइम वेस्ट मत करो भाई, यहाँ रुको, अगर पराठे वगैरह नहीं खाने हैं, वैसे गुजरात में पराठे कम मिलते हैं ब्रेकफास्ट में, अच्छा है ओवरऑल ये। अब फटाफट बर्गर उठाते हैं और राजकोट की तरफ बढ़ते हैं। Meanwhile, ये भी कपास है ना इधर राइट साइड पे, बाड़ी इधर भी है लेफ्ट में, ये रही दूर दूर तक कॉटन है, पूरा इलाका का इलाका होता ना ये पूरा, ये नलाने लग रहे हैं दूर आ गए हैं, बहुत है भाई दूर दूर तक यही है कपास। द्वारका का बोर्ड आ गया है अभी भी, लेकिन 310 किलोमीटर है द्वारका। हाँ द्वारका अपना होटल, टाइम 5.5 घंटे है, मतलब रोड बढ़िया ही मिलेगा एंड तक। सा मंदिर है भाई ये बहुत बड़ा बनाया हुआ है, राम मंदिर जैसा सा डिजाइन है, गुजराती में लिखा है सारा, और पीछे वो भी बने हुए हैं रहने के लिए रूम्स वगैरह। ओ भाई बहुत खराब है रोड, बहुत ज्यादा काम चल रहा है, राजकोट कितना रह गया, मोरबी 54, अच्छा सबसे पहले राजकोट ही आएगा 36, जामनगर 130।
आ गया ना राजकोट सीधा जामनगर राइट, अपने को जामनगर से जाना है। अब राजकोट से जामनगर और जामनगर से फिर द्वारका, अभी भी 230 किलोमीटर है राजकोट से जामनगर रोड पे। ये देखते हैं, यहाँ तक तो रोड 60% खराब है। नेशनल हाईवे वेलकम यू ऑन टोल रोड, जामनगर जाना 91। सामने देखो पहले कितनी बिल्डिंग है भाई, सारे फ्लैट फ्लैट राजकोट में। अरे सारे शहरों का यू आर, सब जगह फ्लैट, सारे शहरों का यू आर। राजकोट में क्रिकेट स्टेडियम होगा पक्का, ये वही है। ये क्या नाम है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का है क्रिकेट स्टेडियम है। लो भाई पौने एक बजे रुके हैं राजकोट को क्रॉस करके, अब लंच करते हैं होटल शिव शक्ति, देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। भाई बहुत रोड खराब है, इतना रोड का काम चल रहा है ना अहमदाबाद से और राजकोट तक, सारा रोड पे काम चल रहा है, एटलीस्ट 60% रोड। अरे कौन से बर्ड से ये, बतख तो नहीं है ये? अबे साले हमारे साथ साथ चल रही है। आ जाओ चलो मेरी प्यारी। One eternity later. तो भाई हो गया अपना लंच, बहुत ही जबरदस्त, मतलब नॉर्थ इंडियन हो ना तो भाई इस वाले ढाबे पे खाओ, होटल शिव शक्ति। ये देखो बहुत जबरदस्त खाना था भाई, दाल भिंडी ऑसम, मजा ही आ गया। अब चलते हैं यहाँ से भाई, 4 घंटे लगेंगे, अभी 200 किलोमीटर है, तो फटाफट यहाँ से द्वारकाधीश की तरफ निकलते हैं। और ये होटल शिव शक्ति है, आप राजकोट क्रॉस करते हो ना तो उसके 15-20 मिनट बाद राइट हैंड साइड पे पड़ेगा, बहुत बढ़िया है। चलो अब चलते हैं और खींचते हैं भाई गाड़ी, रोड खराब है ना, इतना काम चल रहा है रोड पे कि भाई बहुत टाइम लग रहा है सीरियसली। और कोशिश ये रहेगी कि आज रात को 8-9 बजे के आसपास अपने दर्शन हो जाए द्वारकाधीश के। इतनी ग्रीनरी हो रखी है भाई, जबरदस्त। गाजर ये लेफ्ट में, ओहो विंड मिल्स आ गए पूर्विक, विंड मिल्स यमी है खाने है। भाई फ्री है ये टोल भी अपना, कहीं देख तो नहीं रहा क्योंकि स्ट्रेट हाईवे है शायद, ये गाड़ियों का फ्री है गुजरात में। हाँ ये बहुत है इधर भी, हाँ विंड मिल्स, हाँ उधर वो रहे पीछे। ये है भाई, ये देखो गाड़ी से भिड़ी थी ना अभी, इससे एंडेवर से हो गई होती टक्कर इसकी, छोटे वाली गाय की। ये गया सीधा जामनगर और हम लेंगे यहाँ से लेफ्ट, जामनगर भी बाईपास हो जाएगा और अब द्वारका यहाँ से बचा 145, बस 2.5 घंटे और। ये आ गया ना बोर्ड, पोरबंदर 120, द्वारका 130, द्वारका 147, ठीक है।
बढ़िया रोड है अब तो, बहुत ही बढ़िया। राजकोट तक ही खराब था अहमदाबाद से, अदरवाइज तो ताबड़तोड़ रोड है भाई साहब। ये आ गया भाई नेशनल हाईवे 151A, सोमनाथ 255 है जहाँ जाना है कल, द्वारका 128। तो मतलब द्वारका से सोमनाथ भी करीबन 125 किलोमीटर ही है, 3 घंटे लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब चलते हैं नेशनल हाईवे पे, अब थोड़ी स्पीड बढ़ेगी अपनी, अब थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। टक्कर हो गई है, अच्छे से बैठो पकड़ के। तेरे पीछे सांख छाटी आई चाली, गोरी चट्टी को मैं बेंटली चकाली, मराडा ये रिलायंस की सिटी है पूरी भाई, जो अब जियो की हो गई है। तो ये टॉयलेट मार साले का, खोपड़ी तोड़ दे, खोपड़ी तोड़ साले। अरे टॉयलेट के बच्चे देखो इधर कितनी बड़ी पार्किंग है, ये आइनॉक्स भी है, ये रिलायंस के एम्प्लॉयज के लिए है सारे सब कुछ, उधर घर बने हुए हैं भाई। रह गया है 90 किलोमीटर द्वारका। अब दिखाता हूँ आपको एक डैम दिखा, यहाँ रुको कैमरा घुमाता हूँ, ये देखो पीछे तक पानी है, बहुत दूर तक फुल पानी भरा हुआ है। जंप लगा दूं, गिर जाओगे यहाँ तुम भाई। क्या जबरदस्त हवा चल रही है भाई, जबरदस्त हवा, पानी भी देखो कैसे हिल रहा है, मजेदार लग रहा है बहुत ज्यादा। चाय पीते हैं फिर चलते हैं, पीछे तक है जहां तक नजर जाएगी सिहन डैम, बहुत दूर दूर तक पानी है। भाई 38 किलोमीटर रह गया और पीछे देखो कितने सारे विंड मिल्स भरे पड़े हैं, जबरदस्त रोड है जबरदस्त। 38 किलोमीटर 30 मिनट्स दिखा रहा है, ये देखो कितने सारे विंड मिल्स, ये देखो भाई साहब फुल और बहुत देर से चल रहे हैं, वहां भी है पीछे, हर डायरेक्शन में है। अपने को यहाँ से जाना है राइट, पोरबंदर लेफ्ट है, सोमनाथ भी लेफ्ट है, कल इसी रोड से जाएंगे हम, अभी फिलहाल जाते हैं टोल रोड, हाँ अभी फिलहाल चलते हैं राइट। द्वारका यहाँ से है 28 किलोमीटर अपना होटल। द्वारकाधीश मंदिर ही है पक्का, वो सबसे ऊंचा मंदिर है ना। हो गए भाई पहले दर्शन, ये मंदिर द्वारकाधीश का ही है देखो, द्वारकाधीश मंदिर आ गए हम, इतनी बड़ी ध्वजा। टाइम हो गए 5 बजे पहुंच गए हैं द्वारका भाई,
टाइम हो गया 5 और पहुंच गए हैं होटल। मंदिर जाएंगे थोड़ी देर में, चलो चेक इन करवाएं पहले। वेरी गुड, रूम 308। ये रहा अपना छोटा सा ओके बाथरूम और ये छोटा सा रूम, ठीक ठाक है, मतलब सही है, कोई इशू नहीं है। और इस तरफ मंदिर है, मंदिर है, कौन है भाई, कौन हिला रहा है, शायद वो तो नहीं है मंदिर, पता नहीं ये। बाकी भाई ये कुछ रूम है, होटल है द्वारका होटल, ऑप्शंस थोड़े कम हैं इधर और महंगे बहुत ज़्यादा हैं भाई। जो अच्छे ब्रांड्स हैं द फोन रेजिडेंसी क्लब महिंद्रा 12,000 रुपये पर नाइट के मिलते हैं। बाकी ये कुछ रूम है, अभी थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर दर्शन करने के लिए निकलेंगे द्वारकाधीश टेम्पल के लिए।